24 जुलाई को मोदी सरकार की तीसरी कार्यकाल के पहले बजट पर संसद में चर्चा हुई। संसद की कार्यवाही शुरू होने से पहले विपक्षी सांसदों ने प्रदर्शन किया। इस दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि लखनऊ ने दिल्ली को नाराज कर दिया, बजट से उत्तर प्रदेश गायब है। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। देखिए, हम सभी लोग, जितने लोग हैं और खासकर समाजवादी लोग, किसानों को MSP मिले, आय दोगुनी हो, उसका रास्ता निकले। लेकिन इधर देखने को मिल रहा है समर्थन मूल्य किसान को न मिल करके जो अलायंस पार्टनर जो सरकार बचा रहे हैं उन्हें समर्थन मूल्य सरकार दे रही है। ये तो अखबारों में भी छपा है। आप पहले बेरोजगार करते हैं, बेरोजगारी बढ़ाते हैं और उसके बाद ऐसी आधी अधूरी नौकरी लाते हैं जिससे किसी नौजवान का भविष्य बनने वाला नहीं है। इंटर्नशिप के बाद क्या होगा, उनको नौकरी कौन देगा। तीसरा, महंगाई को लेकर के सरकार कोई ऐसा ठोस कदम नहीं उठा पाई जिससे महंगाई नियंत्रण होती। अगर कहीं आपने मिडिल क्लास को कुछ सहूलियत भी दी है तो वो अपनी महंगाई से आप वापस ले ले रहे हैं। बड़े सपने दिखाए थे यूपी को, क्या मिला यूपी को? डबल इंजन की सरकार, तो डबल लाभ मिलना चाहिए था, दिल्ली का लाभ, लखनऊ का लाभ। लेकिन लगता ये है कि दिल्ली अब लखनऊ की तरफ नहीं देख रही है, या लखनऊ वालों ने दिल्ली वालों को नाराज कर दिया, उसका परिणाम हमें बजट में दिखाई दे रहा है। तो डबल इंजन का क्या फायदा हुआ? बिहार जा रहा है विकास, यूपी को क्यों छोड़ रहे हैं आप? बाढ़ अगर बिहार की रोकनी है तो नेपाल की बाढ़ रोके बिना और यूपी की बाढ़ रोके बिना आप बिहार की बाढ़ कैसे रोकेंगे? तो आपको पहले यूपी की बाढ़ रोकें, नेपाल की बाढ़ रोकें, तो बिहार की बाढ़ अपने आप रुक जाएगी। हालांकि आपको बता दें कि विपक्ष के प्रदर्शन में कांग्रेस की पूर्व अध्यक्ष सोनिया गांधी, राहुल गांधी समेत कई वरिष्ठ नेता शामिल हुए। प्रदर्शन के दौरान पत्रकारों से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा, हम सभी मांग कर रहे थे कि किसानों को MSP मिलना चाहिए, लेकिन समर्थन मूल्य किसानों के बजाय उन गठबंधन सहयोगियों को दिया जाता है जो अपनी सरकार बचा रहे हैं। सरकार के खिलाफ नारेबाजी। संसद से बाहर प्रदर्शन में विपक्षी सांसदों ने सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। कांग्रेस अध्यक्ष और राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने आरोप लगाया कि यह बजट जन विरोधी है। उन्होंने कहा कि किसी को न्याय नहीं मिला है, बिहार और आंध्र प्रदेश को विशेष राज्य का दर्जा तो मिला ही नहीं। यह पूछे जाने पर क्या विपक्षी दल बजट पर चर्चा में भाग लेंगे तो खड़गे ने कहा कि हम प्रदर्शन करेंगे, फिर देखते हैं। खड़गे के आवाज पर मंगलवार शाम इंडिया गठबंधन के घटक दलों के सदन के नेताओं की बैठक में इस मुद्दे को लेकर संसद के बाहर और भीतर विरोध जताने का फैसला किया गया। कांग्रेस के संगठन महासचिव KC वेणुगोपाल ने इस मुद्दे को लेकर मंगलवार को कहा था कि 27 जुलाई को नीति आयोग की होने वाली बैठक का कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री बहिष्कार करेंगे। उन्होंने यह आरोप भी लगाया था कि संवैधानिक सिद्धांतों के प्रति इस सरकार का रवैया पूरी तरह से अनैतिक है। इससे पहले द्रविड़ मुनेत्र कजगम के अध्यक्ष और तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने भी नीति आयोग की बैठक का बहिष्कार करने की घोषणा की थी। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।